हल्द्वानी नगर निगम में चुनाव की तैयारी को लेकर प्रशासन ने अब कमर कस ली है। इस बार जिला निर्वाचन विभाग द्वारा हल्द्वानी नगर निगम के चुनाव के लिए बनाए जाने वाले बूथों में कई बदलाव किए गए हैं। जिला निर्वाचन विभाग द्वारा जिस मतदान केंद्र में ज्यादा बूथों की संख्या है उन्हें आसपास के सरकारी विद्यालयों या निजी विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा। हल्द्वानी में राजनीतिक दलों की बैठक लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए ये प्रस्ताव बनाया गया है कि मतदान केंद्र और मतदान स्थल लोगों के नजदीक बनाए जाए और मतदान स्थलों में ज्यादा भीड़ भी ना हो तथा मतदाताओं को सुविधा मिले, इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। साथ ही प्रस्ताव पर सभी राजनीतिक दलों द्वारा चर्चा भी की गई और कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। अब इन प्रस्तावों को निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, हम अभी नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 में होने हैं और नगर निगम हल्द्वानी में हमारे 278 पोलिंग बूथ हैं, 60 वार्ड हैं, 233,000 से अधिक यहाँ पर मतदाता हैं। वोटर टर्नआउट बढ़े, मतदाताओं को कम से कम पैदल दूरी तय करनी पड़े, उसके लिए हमने अपने जो पोलिंग बूथ हैं उनका रिव्यू किया है और उसके बाद हम लोगों ने उसमें सभी राजनीतिक दलों को आज इसलिए बुलाया था कि जो हमने बूथ शिफ्टिंग को और चेंज करने को लेकर प्रस्ताव बनाया है उस पर उनकी सहमति ली गई। कुछ उनके सुझाव और हमें प्राप्त हुए हैं, उनका भी हम परीक्षण करा रहे हैं। उसके बाद बूथ संशोधन के लिए प्रस्ताव जिला स्तर के माध्यम से निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा।